नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनवॉक्स। आज मैं बताऊंगा कल के लिए स्टॉक। कल आपको CNC में, कल है 18 अगस्त, कल के लिए बता देता हूँ कल कौन सा स्टॉक बाय करें CNC में। मैं समझता हूँ कल के लिए एक स्टॉक में बता देता हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 136 रुपये। ठीक है, इसका चार्ट देख लेते हैं। इसका चार्ट देखते हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मारा बुजू कैंडल बनी हुई है, बट इसकी बिकली निकली हुई है। बट ये जो मारा बुजू कैंडल बनी हुई है, मतलब आज के दिन जबरदस्त मारा बुजू कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर देखिए MACD की लाइन ऑलरेडी क्रॉस ओवर है, ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ है, और RSI भी देखिए ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड है, तो आप यहाँ पर बाय करें। डेफिनेटली आपको कल बाय करें इसको CNC में, और मेरे को लगता है इस हफ्ते आपको डेफिनेटली रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा स्टॉक बता दूं मैं, वो है अडानी पोर्ट्स का। करंट प्राइस चल रहा है 357 रुपये। इसका चार्ट देख लेते हैं, इसका चार्ट देखते हैं। ऑलरेडी ये बुलिश ट्रेंड है, बना हुआ है। ये देखिए MACD की लाइन भी ऊपर की तरफ है, RSI भी ऊपर की तरफ है। बट इसमें है ना कि आपको एक या दो दिन तो आपको दिखने को लगेगा कि हाँ, उसके बाद एक दो दिन के बाद बीच में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो आप, मैं चाहूँगा इसको बाय कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी बीच में गिरावट आ सकती है। बट अभी ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस ओवर होना है, तो डेफिनेटली एक या दो दिन में तो ये बुलिश ट्रेंड है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। एक और मैं स्टॉक बता दूँ आपको, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का चार्ट में देख लेते हो, चार्ट देख लीजिए, जो अच्छा चार्ट है। यहाँ पर ये बुलिश ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पर भी MACD की लाइन क्रॉस ओवर है, RSI भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है ये जो टेक महिंद्रा है, इसमें आप चांस ले सकते हो, इसमें आप बाय करें। इसमें आराम से एक आध हफ्ते में आपको डेफिनेटली रिटर्न मिल, 10% के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।